पार्टियों के वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकी चुनावों के मद्देनजर बड़ी तबाही फैला सकते हैं। सुरक्षा फोर्स पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। हालांकि खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद है और हमारे सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद है। अभी कुछ घंटे पहले नौशेरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया जिनके पास बड़ी संख्या में हथियार मिले। जाहिर है इनका मकसद भी वही था, घाटी में दहशत पैदा करना ताकि चुनाव पर असर पड़ सके, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी के नौशेरा इलाकों में आज सुरक्षा बल ने एरिया डोमिनेशन रूट मार्च निकाला। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, सीआईएसएफ के जवान और ऑफिसर्स शामिल हुए। इस रूट मार्च को निकालने का मकसद लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना था। जम्मू कश्मीर के नौशेरा से ये तस्वीरें हैं। इलेक्शन जो होते हैं वो आपको पता ही है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है। हम इसी मकसद से एक एरिया डोमिनेशन के लिए बाहर निकले हैं, प्लस हमारा दूसरा एम ये भी है कि एक लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा के लिए यहां तैनात हैं। राजौरी के सरहदी इलाका नौशेरा के अंदर आज एरिया डोमिनेशन रूट निकाला गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ऑफिसरान भी इस एरिया डोमिनेशन रूट में मौजूद रहे। मकसद इस एरिया डोमिनेशन रूट का ये रहता है कि जो सुरक्षा बल किसी भी इलाके में जाते हैं, जिस तरह से ये नौशेरा में आए हैं, तो इन्हें बताया जाता है इस इलाके के बारे में कि इलाका किस तरह का है और किस तरह से यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप लोगों को ड्यूटी करनी है, और इसके साथ साथ अमन, शांति, भाईचारे का भी पैगाम ये जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे देती है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए राजौरी के नौशेरा से मैं अंकित केसर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहाँ जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।